और एक बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में झेलम नदी में नाव डूबी, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। गांदरबल नौगाम इलाके में यह हादसा हुआ है, तो एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। खबर है कि श्रीनगर में झेलम नदी में एक नाव डूब गई है। आशंका यह है कि कई लोग इस नाव में सवार थे जो पानी में डूब गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गांदरबल नौगाम इलाके का यह हादसा है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। झेलम नदी का यह हादसा जहां पर नाव डूब गई है, बड़ी जानकारी। नाव पलटने से कई लोगों के डूबने की भी आशंका बनी हुई है। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और जो लोग इस झील में डूब गए हैं उनको ढूंढने निकालने की कोशिश की जा रही है। तो श्रीनगर में झेलम नदी में नाव डूब गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से आ रही है जहां झेलम नदी में हादसा हुआ है, नाव डूब गई है। महराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। महराज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रवि, बता दें ये क्योंकि पिछले 48 घंटों से अधिक समय से जो है बिल्कुल श्रीनगर और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश है, जिससे जहलम का जो है स्तर बिल्कुल बढ़ गया है। और अभी आज जो है ये नाव जो है बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर लोग जो है वो छात्र ही है, और ये जो है एक कोने से दूसरे छोर जो है नौगाम इलाके में गंडबल इलाका है जहाँ पे ये घटना जो है पेश आई है। बताया जा रहा है कि ये छात्र स्कूल के लिए निकले थे और ये क्योंकि नाव का ले रहे थे, तो अभी यही बताया जा रहा है कि इसमें जो है ये एक घटना में फंसी हुई है और ये जो नाव थी ये डूब गई है और एसडीआरएफ की जो है टीम्स वहां पे पहुंची हुई है और जो लापता लोग हैं उनकी तलाशी भी जारी है। जी रवि, चलिए आप नजर बना रखें, बहुत बहुत शुक्रिया महराज आपका।